हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एक्सप्लेन टॉपिक पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th तिब्बत इशू चैप्टर 4। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले तिब्बत इशू के बारे में। तिब्बत इशू के अंदर कौन सा टॉपिक, तिब्बत इशू जो था वो क्या था, प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन का प्लेट्यू था। ये क्या था, तिब्बत के कारण क्या टेंशन अराइज हो गई थी, इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन अराइज हो गई थी। सबसे पहले क्या था कि चाइना के जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे वो कंट्रोल बनाना चाहते थे चाइना उसके तिब्बत के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि तिब्बत जो है वो इंडिपेंडेंट हुई 1950 में। कभी कभी तिब्बत जो है इंडिपेंडेंट रहता था, कंट्रोल भी कर, और कभी कभी क्या होता था कि चाइना उसके ऊपर कंट्रोल करती थी। उसके बाद क्या हुआ, अपोज दिस टेक ओवर, चाइना उन्होंने क्या बोला, तिब्बत ने चाइना से बोला कि चाइना आप वापस अपनी जगह जाओ, हमें फ्रीली रहने दो। सबसे पहले क्या हुआ, चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हुआ, वो कंट्रोल बनाना चाहते थे। उसके बाद क्या कि तब कभी कभी तो तिब्बत इंडिपेंडेंट रहता था और कभी कभी क्या चाइना उसके ऊपर कंट्रोल करती थी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, चाइना उसके बाद अपोज दिस टेक ओवर, तिब्बत ने कहा चाइना से कि चाइना आप अपनी जगह वापस जाओ, हमें फ्रीली रहने दो। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने ट्राई किया कि चाइना के साथ बात करने के लिए, लेकिन चाइना था कि उसने अपनी इंडिया की बात नहीं मानी। और अपन को पता है कि 29 अप्रैल 1954 को इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील साइन हुआ था कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रेटेड सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, कि उनकी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में या उनकी किसी भी ज़मीन पर कोई दखल अंदाजी या कब्ज़ा नहीं करेंगे। चाइना का कंट्रोल क्या था, चाइना के हाथ में था। चाइना का कंट्रोल, चाइना को पता था कि वो काफ़ी जो है वो पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते ही है। उसके दो साल बाद क्या हुआ, 1956 के अंदर तिब्बत का स्पाइटल लीडर दलाई लामा एंड जो ग्रेटर ऑटोनॉमी जिसके पास थी, उसने क्या किया, 1958 के अंदर बहुत ही वॉर सिचुएशन हो गई थी आम चाइनीज़ फोर्स की, काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी। उसके एक साल बाद क्या हुआ कि दलाई लामा ने इंडिया से पूछेंगे, उन्होंने इंडिया से बात करी और उन्होंने इंडिया से बोला कि क्या आप हमें वहाँ रहने देंगे, क्या आप अपनी शरण में हमें ले लेंगे। उन्होंने क्या किया, इस्लाम का मतलब क्या होता है, उन्होंने इंडिया से कहा कि इंडिया क्या हम आपकी शरण में रह सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने कहा कि ठीक है आप यहाँ पे रह सकते हो। उसके बाद वहाँ चाइना के तिब्बत के लोग दिल्ली में और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आकर रहने लगे। चाइना को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और चाइना इस बात के खिलाफ भी हो गया था। थैंक यू।